हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल करीम है आप कहाँ से हैं? जी। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ अच्छा, यहाँ किस काम से आए हो? जी। मैं एनीवे जो भी काम मिलता है वो काम कर लेता हूँ। अच्छा, अभी आप क्या काम कर रहे हो? अभी जो आप देख रहे हैं वही काम है बाल वगैरह जमा करके जी छोटी छोटी जी चीज़ें जी भेज रहा जी है। अच्छा, कुछ पढ़ाई शढ़ाई की है आपने? जी मैंने बीएड क्वालिफाइड किया है, बीएड और क्या किया है? पीजी किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड एंड द टू पीजी प्लस किस सब्जेक्ट में किया है? इकोनॉमिक्स मैंने किया है। अच्छा, मुझे बता सकता है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या मैं फ़र्क है? जानता हूँ ये मार्क्सवाद ने लिखा था, हाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत दो थ्योरियाँ होती है, यानी कि आपको जो कमा रहे हैं उसके बारे में आपको बताता है, कितना आप कमा रहे हैं, किस तरीके से कमाना है हमें उसके बारे में आपको बताया जाता माइक्रो, है। हाँ, और इसको लिखा था मार्क्सवाद ने, अच्छा, और साइंटिफिक मैक्रो? दोनों का उन्होंने ही लिखा था, अच्छा, माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ने उन्होंने मैक्रो लिखा। में क्या आता है? माइक्रो में जैसे कि आप कितने रुपए का सामान आप खरीद और उसमें लागत कितना पड़ रहा है और उससे हम विनिमय कितना कर सकते हैं, अच्छा यानी कि अच्छा उससे हम इन्वेस्टमेंट कितना फायदा था? क्या कर सकते इसके हैं। अलावा आपने क्या पढ़ा है? मैंने बस यही जो मैंने आपको बताया नहीं, वही कुछ मैंने, हाँ कंप्यूटर कंप्यूटर वगैरह को मैंने, जानते हैं? हाँ कंप्यूटर को मैंने डीसीए एमसीए डीसी आर्ट्स को मैंने कोर्स दिल्ली से किया है, अच्छा और वो मैंने यानी कि 12 महीने का कोर्स किया था। अच्छा इसके अलावा आप क्या काम करते हो शाम इसके को फिर? अलावा शाम को यानी कि नेट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सब हम काम करते हैं, नेट में उसमें क्या जैसे टिकट काटना हो किसी को, जैसे कि फॉर टूर एग्जांपल, हाँ किसी स्टूडेंट को वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना हो, आधार कार्ड के रिलेटेड कोई भी काम हो, अच्छा, तो वो सब काम लैपटॉप पर वो हम, कर हाँ रहे हो? लैपटॉप पे हम, अपना लैपटॉप है अपना आपको? नहीं है यानी कि अच्छा एक कश्मीरी का है, तो उसी से लेकर हम काम करते रहते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, कितनी कमाई होगी आपको इससे जो आप काम कर रहे हो इधर? यही है तकरीबन, कभी 400 भी हो जाता है, कभी 300 भी होता है, कभी 350 भी होता है, ये जो खुदा जितना देना होता है उतना वो देते हैं। फिर घर कुछ पैसा भेजते हो? हाँ भेजते हैं। घर में कौन कौन है? और घर में मम्मी है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, और वन सिस्टर्स, बस और कोई नहीं है। पापा नहीं है? पापा अच्छा यहीं पर है अच्छा जी। इतनी पढ़ाई की है आपने? हाँ अक्सर यहाँ पर जो भी कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, कोई काम करने से रहता है, देखिए, नहीं मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी। हम जहाँ तक समझते हैं पढ़ाई ही सब कुछ है नहीं, समझ ठीक है। गए, स्टडी इज नॉट एवरीथिंग, मगर कहने का मतलब ये होता है कि इंसान को मेहनत करना चाहिए। दैट मीन्स यू कैन टॉक इन इंग्लिश। नहीं मैं आपको मैंने बताया, हाँ पर फॉर एग्जांपल अगर कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान सिर्फ बिलोंग करे, सिर्फ स्टडी से नहीं, मैं पढ़ के ही हर चीज़ कर सकता हूँ, तो ये आज नहीं, आज एजुकेटेड बहुत है, यानी कि अनगिनत है, अनकाउंटेबल है जितना भी आप देखिए। और कहने का मतलब ये है कि अगर सब अगर चाहे तो मैं जॉब ही लेकर काम करूँ तो ये घर नहीं चल सकता है। तो हमें, मैं प्योर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और अपने घर परिवार को चलाने के लिए हमें तो अच्छा, बेटर करना सरकारी पड़ेगा। नौकरी के लिए आपने अप्लाई हाँ किया है, अप्लाई क्या किया क्या है चीज़ें की है वहाँ पर? मैंने, एनटीपीसी का मैंने एग्ज़ाम देकर आया था, CBT1 का, अभी उसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर डिक्लेयर नहीं नहीं हुआ, हुआ उसके अभी। अलावा कुछ और उसके अलावा मैंने एक और में दिया था, मगर उसका भी अभी TAT का भी, उसका भी कुछ, TAT भी दिया है? हाँ अच्छा, TAT अभी रिजल्ट नहीं अभी आया। रिजल्ट नहीं आया है, अच्छा तो अच्छा देखिए क्या कुछ दिन इसके तो। आगे आपका क्या प्रोग्राम है? आप यहीं काम करने वाले हो या कहीं और जाने वाले हैं? नहीं मैंने ये प्रोग्राम किया कि मुझे थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और कर्ज में मैं डूबा हूँ, अभी घर पे मैंने कुछ लिया तो उससे कर्ज हो गया ज़मीन में लेने से, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ये सब, तो तभी मेहनत करके कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का थोड़ा अच्छा तरीके से तैयारी करके और किसी फॉर्म फिलअप करके तो नहीं, निकालेंगे। कहीं विदेश जाने का प्रोग्राम है हाँ या कुछ ऐसा? देखते हैं, अगर अच्छा इंशाल्लाह खुदा किया पैसा कुछ होना चाहिए चलो दिमाग में रहते हैं। चलो, आपका शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम।